News 18, India. तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, धामी कैबिनेट में पेश किया जाएगा यूसीसी का ड्राफ्ट और ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप देख सकते हैं संकल्प से सिद्धि तक, क्योंकि देश में यूसीसी को लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन जाएगा। विधानसभा में भी ये ड्राफ्ट पेश होगा, लेकिन आज ड्राफ्ट धामी कैबिनेट को पेश किया जाएगा। और आपको याद भी होगा कि देखिए, विधानसभा के जब चुनाव हुए थे, अपने कैंपेन के दौरान लगातार धामी की तरफ से बात कही गई थी। पुष्कर सिंह धामी ने लगातार ये बात कही थी कि सरकार आने के बाद सबसे पहली हमारी प्राथमिकता यही होगी कि आखिर यूसीसी लाया जाए, और उसी को लेकर कमेटी ने पुष्कर सिंह धामी को रिपोर्ट जो है वो सौंप दी है। 6 फरवरी को, 6 फरवरी का वो दिन होगा जब विधानसभा में ये ड्राफ्ट पेश किया जाएगा, और अगर ये ड्राफ्ट पास हो जाएगा तो ऐसे में पहला ऐसा राज्य होगा उत्तराखंड जहां पर यूसीसी लागू किया जाएगा। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड और कानून के जानकार ये कहते रहे हैं कि सिविल कानून में बदलाव बेहद जरूरी है। ऐसे में इस कानून के जरिए जब राज्य में एक ही कानून होगा, खासकर महिलाओं की अगर हम बात करें तो उनको आजादी मिलेगी। इसके अलावा बहुत सारे नियम हैं, और उत्तराखंड अगर हम देखें तो ये राज्य 2000 में अस्तित्व में आता है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो कैंपेन चला था और वो रिकॉर्ड बनाते हैं, यानी कि उत्तराखंड में कभी भी सरकार रिपीट नहीं हुई थी, लेकिन धामी की अगुवाई में सरकार रिपीट होती है। और उसके बाद जो संकल्प लिया गया था यूसीसी का, जो पीछे लिखा भी हुआ है संकल्प से सिद्धि तक, यानी कि पहला कदम आगे बढ़ चुका है, ड्राफ्ट कैबिनेट को दे दिया गया है। अब अगला कदम होगा विधानसभा में यूसीसी ड्राफ्ट को पेश करना। राधा रतूड़ी जी और सभी उपस्थित हमारे मीडिया के सभी मित्रों, मैं सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप सबके द्वारा लगातार, जब हमने पहली बार विधानसभा का उत्तराखंड का जो आम चुनाव हुआ था, उस चुनाव के समय आप सबके समक्ष हमने ये संकल्प रखा था, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उन्हीं की प्रेरणा से हमारी पार्टी ने ये संकल्प पत्र उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सबसे पहले कोई काम करेंगे तो वो समान नागरिक संहिता को लाने के लिए कमेटी बनाने का काम करेंगे, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। और हमने कमेटी का गठन किया और जो हमने वायदा किया था उस वायदे को आगे बढ़ाया सरकार गठन के बाद, और 5 सदस्यीय कमेटी बनी। सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में, जिसमें सिक्किम के मुख्य न्यायाधीश प्रमोद कोहली जी, हमारे राज्य के मुख्य सचिव रहे श्री शत्रुघ्न सिंह जी, प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी दून विश्वविद्यालय की कुलपति, और श्री मनु गौड़ जी समाज सेवी, इन 5ों लोगों की कमेटी ने इस ड्राफ्ट को बनाने का काम किया है। विभिन्न विभिन्न स्थानों पर गए हैं और ये कमेटी फॉर्म होने के बाद इस कमेटी ने 2 और उप समितियां बनाई, 2 उप समितियां बनाएगी जिसमें कि इसका प्रारूप तैयार करने के लिए और एक जनसंवाद कार्यक्रम करने के लिए। और पहली जो बैठक हुई, हमने उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्र, जिसको पहले उत्तराखंड का क्या देश का अंतिम गांव कहा जाता था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस गांव को प्रथम गांव की संज्ञा दी, माणा गांव। और माणा गांव से हमारे जो जनजाति समूह के लोग थे उनके साथ संवाद हुआ, और संवाद में लगातार पूरे प्रदेश के अंदर 43 स्थानों पर जन संवाद के कार्यक्रम हुए, लोगों से उनकी राय ली गई, उनके विचार जाने गए, और उसके पश्चात वेब पोर्टल लॉन्च किया गया। और वेब पोर्टल लॉन्च किया गया और वेब पोर्टल में 2,33,000 लोगों ने अपने विचार दिए, और प्रदेश के लगभग 10% परिवारों का
इसमें कहीं ना कहीं उनके विचार सम्मिलित हो गए और ये देश का पहला ऐसा काम है समान नागरिक संहिता का जिसके लिए इतनी बड़ी संख्या में, ये पहला उदाहरण है कि 10% लोगों ने प्रदेश के अंदर अपनी राय इस पर रखी है और उनकी राय के आधार पर हम आगे बढ़े हैं। समिति ने अभी तक 72 बैठकें पूरी की हैं और आज उन्होंने हमको अपनी रिपोर्ट दे दी है और मैं विशेषकर से, चूंकि समिति में रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में जो समिति है, वो समिति हमारी बहुत विद्वान लोगों की समिति है और उन्होंने बहुत इस पर परिश्रम किया, अनेकों स्थानों पर गए, दिल्ली के अंदर भी उन्होंने जनसंवाद के कार्यक्रम किए और सब विद्वान लोगों के विचार उन्होंने संकलित किए हैं और आज हमको इन्होंने ड्राफ्ट सौंप दिया है। मैं समिति का दिल से धन्यवाद करता हूं और अब ये ड्राफ्ट, जिसकी लंबे समय से सभी लोगों को प्रतीक्षा थी, आप सब भी लगातार पूछते रहते थे कि कब समिति ड्राफ्ट देने वाली है, तो वो शुभ दिन आ गया और वो शुभ दिन ये भगवान सूर्यदेव जब उत्तरायण में आए तो हमेशा से मान्यता रही है कि हमारे सारे मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं, अच्छे काम शुरू हो जाते हैं, देवताओं के दिन आ जाते हैं और ये देवताओं के दिन प्रारंभ हो गए। एक तरफ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भगवान राम की प्रतिष्ठा राम जन्मभूमि पर हो गई, नया बजट भी आ गया, नए काम भी शुरू हो गए और आज हमने भी जो संकल्प लिया था और जो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के साथ हमने जो वायदा किया था कि हम इस काम को पूरा करेंगे, तो आज वो काम हमारा लगभग ड्राफ्ट मिलने से आगे बढ़ गया है और मैं इसके लिए विशेष रूप से जहां हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में लगातार हमारा राज्य आगे बढ़ रहा है और आज उत्तराखंड में एक ऐसे काम की शुरुआत हो रही है, एक ऐसा काम आगे बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा देश को लंबे समय से थी। इसमें जहां मैं अपने नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, साथ ही साथ मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि उन्होंने हमको एक ऐसा अवसर दिया कि राज्य गठन के बाद पहली बार किसी भी राजनीतिक दल को उत्तराखंड के इतिहास में लगातार दूसरी बार सेवा करने का अवसर प्रदान किया, लगातार सेवा करने का अवसर प्रदान किया और हम ये ड्राफ्ट आज लाकर उसकी समस्त जो औपचारिकताएं हैं पूरी करेंगे। इसके बाद इसका जो विधिक रूप से जो परीक्षण है वो परीक्षण भी होगा, इसका अध्ययन करेंगे और चर्चा करने के बाद, परीक्षण करने के बाद विधानसभा का जो हमने विशेष सत्र, जो ये विशेष सत्र आ रहा है, इस सत्र में इसको रखेंगे और जो कानून बनना है, एक्ट बनना है, विधेयक बनना है, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आपने जो मार्ग दिखाया है उसी पे पूरी सरकार आगे चलेगी, सारे अधिकारी उसके लिए तेजी से हम लोग सब काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सारे मीडिया के बंधुओं को, सभी अधिकारियों का हार्दिक धन्यवाद। तो यूसीसी का जो ड्राफ्ट है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा गया है। देखिए सबसे बड़ी बातें आपको बता देते हैं कि आखिर ड्राफ्ट में जो है 4 वॉल्यूम तय किए गए। पहले वॉल्यूम में रिपोर्ट, साथ ही तीसरे वॉल्यूम की बात करें तो उसमें आम लोगों के परामर्श है कि आप, क्योंकि लोगों से बातचीत की गई, और चौथे वॉल्यूम में हिंदी में पूरा ड्राफ्ट कोड जो है वो समझाया गया है।